Hey guys, welcome to Pharma Geek. In this channel, I will describe everything about pharmacy and stuff related to it. तो आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स. इस सब्जेक्ट का मेन फोकस है हीट के फ्लो को देखना और उसके साथ वर्ड के रिलेशनशिप को एनालाइज करना. तो ये सब्जेक्ट जानने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स देखने पड़ेंगे. जैसे नंबर वन, सिस्टम. अ बाउंड्री एनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट और मैटर जो हमने चूज किया है फॉर थर्मोडायनेमिकल ऑब्जर्वेशन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सिस्टम. स्क्रीन पे दिए हुए इमेज पे आप देख सकते हैं देयर इज अ यूनिवर्स जिसके अंदर एक सिस्टम है एनक्लोज्ड बाय बाउंड्री एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स. सो थर्मोडायनेमिकली सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स. अभी सिस्टम तीन तरह का होता है. नंबर वन, आइसोलेटेड, जिसके अंदर कोई भी हीट या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा विद द आउटर सराउंडिंग्स. नंबर टू, क्लोज्ड, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन कोई मास ट्रांसफर नहीं होगा. एंड नंबर थ्री, ओपन, जिसके अंदर मास और एनर्जी का दोनों का ही एक्सचेंज हो सकता है. सिस्टम का जो बाउंड्री वॉल होता है वो भी दो तरह का होता है. नंबर वन, डायथर्मिक वॉल्स विच परमिट द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू देम. एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास वेसल में लिक्विड रख दे तो फिर उस लिक्विड और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर हो सकता है थ्रू द ग्लास वॉल. एंड नंबर टू इज एडियाबेटिक वॉल्स विच डज नॉट अलाउ हीट टू एंटर और कम आउट ऑफ द बॉडी. एग्जाम्पल है थर्मोस फ्लास्क. हम आते हैं सिस्टम के प्रॉपर्टीज में जो फिर से दो हिस्सों में डिवाइडेड है. नंबर वन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, सिस्टम के वो प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंडेंट है उसी को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एनर्जी. और जो प्रॉपर्टीज मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक सिस्टम में अगर कोई चेंज आता है तो फिर उसका थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स भी वैसे ही चेंज हो जाता है. ऐसे ही अगर एक सिस्टम एक सीरीज ऑफ चेंजेस से गुजरता है जिससे कि वो सिस्टम वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है तो फिर उसका थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स भी वापस अपने ओरिजिनल वैल्यूज में चले जाता है. इस प्रोसेस को ही कहा जाता है साइक्लिक प्रोसेस. नेक्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस. अगर एक सिस्टम में ऐसा चेंज होता है जिससे कि उसका टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस कॉन्स्टेंट रह जाए तो फिर उसको आइसोथर्मल प्रोसेस कहा जाएगा. और जिस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस में सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज का मौका नहीं मिलेगा उसको कहा जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस. एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा. बाय बाय.